ये सारा एलोवेरा जेल निकाल रहे हैं हम क्यों? अभी दिखाएंगे हम आपकी आपको हम क्यों लोग जो निकाल रहे निकले हुए हैं। और ये पूरा जो है अंबिया का, जो हमारे हाथ चिकने हो रहे हैं ना, वो सारे कहाँ जा रहे हैं? वो सारे जा रहे हैं अंबिया के सर पे। ये रहे अंबिया का सर, और उस पर सारा एलोवेरा जेल। ये देखिए, और हम लोग भी लगा रहे हैं। और इसका करेंगे क्या, अभी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा, जरा चले और आगे देखिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़मान में रखे सबको, और उन सबको भी हमारा बहुत बहुत सलाम जो हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। तो जनाब, आज मैं तकरीबन 2-3 दिन की छुट्टी के बाद आ रही हूँ, और पता नहीं क्यों आजकल जो है बड़ी सुस्ती आ रही है वीडियो बनाने में, जबकि काफ़ी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनानी थी। और मैंने एक व्लॉग में आपको बताया भी था अपने कि मैंने जब फूड क्रीम बनाई थी, तो मैंने कहा था मैं आपको क्रीम भी बताऊंगी, जो कि मैं घर की ही चीज़ों से सब बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रहती है। क्योंकि अक्सर हम ज़्यादातर लोशन लगाते हैं और क्रीम लगाते हैं, जो कि अमूमन सबके घरों में सर्दियों में आती हैं लाजमी, मगर वो थोड़े से बाद ऐसा होता है कि ड्राइनेस फिर दोबारा आ जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त क्रीम। मगर अभी हम क्रीम नहीं बना रहे हैं, अभी हम बना रहे हैं सीरम। सीरम मेरे पास ख़त्म हो चुका था और मुझे बनाना था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ वो चीज़ जो मैं सारी घर की चीज़ों से ही बनाती हूँ। एक दो चीज़ें जो हैं वो बाज़ार की भी हैं, मगर वो ऐसी हैं कि आपके घर में मौजूद होती हैं। तो लेट्स सी और देखते हैं और ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई करा हुआ है, आप ज़रूर करिएगा। तो जनाब, यहाँ मेरे सामने जो चीज़ें रखी हैं वो मैं आपको करा दूँ उनसे इंट्रोड्यूस, कि यहाँ मेरे पास है एलोवेरा। एलोवेरा जो है ये बिल्कुल नेचुरल है, मेरे घर में लगा हुआ है इसका पौधा, तो वो मैंने निकाले हैं बिल्कुल ओरिजिनल। सारी हमने उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, गूदा जो कह लें, वो हमने सब निकाल लिया था। उसके बाद जो है ग्राइंडर करा, उसके बाद उसकी शक्ल देखें, ये आ गई बिल्कुल पानी वाले फॉर्म में हो गया है। जैसे वो एक लेयर होती है ना, तो वो नहीं होगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी भी कि मैंने कैसे करा था। अच्छा जनाब, उसके बाद हमने जो अभी सीरम के लिए लेना है वो है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है या आप ऐसी जगह पे हैं, मतलब ऐसी जगहों पर रहते हैं जहाँ नहीं मिले, तो कोई मुश्किल नहीं है, आजकल एलोवेरा जेल आ जाता है रेडीमेड, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें जाएगा अर्के गुलाब। अर्के गुलाब जो कि ज़्यादातर सबके घरों में होता ही है, और ये है मेरे पास बादाम का तेल, जो कि स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, मगर इसको अगर एक सही मिकदार में लगाई जाए तो, ज़्यादा नहीं। तो उसके अलावा है चमेली का तेल, और चमेली का तेल आपको पता है कब यूज़ होता है, ज़्यादातर हम लोगों के ये मैंने बॉटल किसी और चीज़ की है, मगर मैंने इसमें साफ करके डाला हुआ। ज़्यादातर जब चमेली का यूज़ कब होता है कि अब तो खैर ख़त्म हो गया फैशन, पहले बहुत माइयों में उपटन जो लगता था तो उसमें ये डाला जाता था चमेली का तेल, तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो ये भी हम क्वांटिटी में डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना। उसके अलावा यहाँ मेरे पास स्किन रिवनेल, ये देखें ये ऑयल है, और ये भी आसानी से मिल जाता है, स्किन ऑयल भी कहलाता है, और ये ज़्यादातर क्रीम वगैरह में भी यूज़ होता है, तो ये आसानी से मिल जाएगा आपको मेडिकल से, ठीक। उसके अलावा यहाँ आ गए मेरे पास विटामिन सी के कैप्सूल, तो मेरे पास मैं रखती हूँ विटामिन ई और विटामिन सी के कैप्सूल रखती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे रहते हैं अगर आप स्किन के लिए यूज़ करें, बालों के लिए यूज़ करें, हाथ पाँव पर लगाने के लिए क्रीम में यूज़ करें तो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें जो है हमारी सारी चीज़ें, और ये आप देखेंगे ऊद का है, तो भाई बस ये इतनी प्यारा सा बॉक्स मुझे खाली मिला तो मैंने इसमें रख दिया, जबकि इसमें क्या थी स्टिक थी। तो जनाब, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, एलोवेरा जेल है, अर्के गुलाब और बादाम का तेल, चमेली का तेल और रिवनिंग ऑयल, और जो है जनाब उसके अलावा है कैप्सूल विटामिन सी के। तो अब हम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे और देखिए। और अब हम यहाँ डालेंगे पहले एलोवेरा जेल या नेचुरल एलोवेरा जो भी आपके पास हो। मैं 4 टीस्पून ले रही हूँ, ये टीस्पून ही है, और मैंने प्लास्टिक का यूज़ लिया कि ज़रा ये साफ़ सुथरे होते हैं, हम स्टील के खाने में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये मेरे पास बिल्कुल साफ़ सुथरे रखे भी होते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में बहुत निकल जाते हैं तो जमा हो जाते हैं, तो मैंने वो यूज़ करें। अच्छा, ये मैंने 6 इसमें स्पून डाल दिए हैं एलोवेरा के। उसके अलावा अब जो है ड्रॉप की ही मदद से डालेंगे, ताकि क्वान्टिटी जो है वो ज़्यादा ना हो चीज़ों की। तो पहले मैंने यहाँ काट के रख लिया है विटामिन सी का कैप्सूल, वो मैंने सिर्फ इसमें एक ऐड करा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके अलावा जनाब, अब हम इसमें डालेंगे
हमने तकरीबन 4 ड्रॉप डाले हैं इसमें चमेली के तेल के, और 4 ही ड्रॉप हम डालेंगे बादाम के तेल के। और ये मैं अब डाली हूँ उसमें बादाम के, बस ये हमने बादाम के भी इसमें 4 ही डाले हैं। और अब हम इसमें 1 स्पून जो है वो डालेंगे। अच्छा ये नेचुरल है तो एलोवेरा, इसमें बहुत से लोगों को शायद लगे कि स्मेल आएगी, तो इतनी चीज़ें जब आप डाल देंगे तो स्मेल नहीं आएगी। और यहाँ मैं बहुत आराम से डालूँ क्योंकि मैं एक हाथ से एक तो मोबाइल, बस मैंने तकरीबन ये 1 चम्मच के करीब लिया है। इसमें रोज पाउडर वो यूज़ करा है, और इसके अलावा अब इसमें जाएगा ये रेवेंस ऑयल डालेंगे, और ये मैं डालूँगी तकरीबन सिर्फ 2 ड्रॉप, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये शाइन तो करता है फेस पे मगर थोड़ा थिक भी होता है। 2 ये मैंने 2 ड्रॉप इसके डाल दिए, और अच्छे से हम इसको अब मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है वो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा बिल्कुल एक, सब चीज़ें यकजा हो जाएंगी, तो उसके बाद मेरे पास ये ड्रॉप वो सॉरी बॉटल है, और ये खाली हो गई है मेरी बॉटल रिवाज का, मैंने यूज़ करा था उसके बाद तो ये बॉटल खाली हो, तो मेरी अभी तक चल रही है क्योंकि मैं ये जब बनाती हूँ तो मैं इसमें भर लेती हूँ और फिर इसी से यूज़ करती हूँ तो सही भी रहता है। तो मैं अच्छे से यहाँ मिक्स करके मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ ये अच्छे से खूब मिक्स हो चुका है, और आप यकीन करें कहीं भी इसमें स्मेल नहीं आ रही ये एलोवेरा जेल की, क्योंकि ओरिजिनल की कहें तो बहुत स्मेल आ रही होगी, कोई स्मेल नहीं आ रही, बड़ी ज़बरदस्त सी फ्रेगरेंस आ रही है। अच्छा फ्रेगरेंस आ किसकी रही है, एक रेवेंस ऑयल की और दूसरा जो है हल्की से बादाम और चमेली की, बहुत प्यारी प्यारी धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है। आप इसको बना के ट्राई करिएगा तो आपको अंदाज़ा है। और देखिए इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सब नेचुरल चीज़ें, कोई केमिकल वगैरह इसमें नहीं डाला हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके फेस को नुकसान दे। इसमें 1 ही कैप्सूल है, वो कोई नुकसान नहीं देते। बादाम का ऑयल है वो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, चमेली का ऑयल भी बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, कोई आपको उसमें पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं होंगे अगर आप क्वांटिटी सही रखेंगी तो, ये नहीं कि आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अपने मुताबिक से बहुत ज़्यादा की। हाँ अगर आपने इन्हीं की क्वांटिटी आप डबल कर दें, जितने मैंने अगर स्पून 6 इसके लिए तो आप 6 से 12 करेंगे तो फिर आपने क्वांटिटी भी उस तरीके से बढ़ानी है। और इसी तरीके से रोज़ वाटर है वो भी घर में मौजूद होता है और वो लोग लगाते भी हैं स्किन पर, बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर करी, छोटी सी वीडियो बनाई, और आई होप कि पसंद आएगी आपको। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब अभी मैं शुरू का पार्ट ज़रूर देखिएगा कि मैंने एलोवेरा जेल कैसे निकाला और कितना मैंने ग्राइंड करा। भाई मैं जो है एक हाथ, आपको पता है कि मोबाइल मेरे हाथ में होता है और एक हाथ से मैं शूट कर रही होती हूँ और काम भी कर रही होती हूँ, तो इसलिए मैंने आप यकीन करें अभी 10 मिनट गुजरने के बाद भी दुनिया अभी आप हाथ देख सकते हैं। और मैं अभी इस पे सीरम लगा के और फिर दिखाऊंगी। मैंने अभी जिस हाथ पे लगाया अपने उल्टे हाथ पे तो बड़ी शाइनिंग सी आ रही है, मगर मैं शूट नहीं कर सकती तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो जनाब देख सकते हैं, मैं रिज़ल्ट बहुत प्यारा है इसका, और आपको कैमरे में इतना जो नहीं नज़र आएगा जितना मैं लगाने से स्किन पर पता चला कि स्किन बड़ी बड़ी अच्छी सॉफ्ट थी और फ्रेगनेंस इतनी अच्छी आ रही है धीमी धीमी सी। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके मुझे बताइएगा ये सीरम।